हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जो कि हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ फ्लो के रिगार्डिंग है, जो हमारा एनटीए के द्वारा जून 2019 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा एग्ज़ाम। आज हमारा लेक्चर 4 है जो कि हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है। इसके अंदर आज हम अपने दो टॉपिक कवर करेंगे, एक हमारा एक्सट्रेडिशन एंड दूसरा हमारा असाइलम। तो चलिए हमारा लेक्चर 4 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रेडिशन से। तो ये एक्सट्रेडिशन तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रेडिशन इज ऑल्सो नोन एज बायलेटरल ट्रीटी। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सट्रेडिशन को हम बायलेटरल ट्रीटी भी बोलते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सट्रेडिशन इज ऑल्सो नोन एज डेस, तो मतलब बायलेटरल ट्रीटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आने के चांसेस है एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है बायलेटरल ट्रीटी क्या होती है, एक्सट्रेडिशन और एक्सट्रेडिशन क्या होता है बायलेटरल ट्रीटी। फिर आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी, जो कि हमारे जूरिस्ट ऑफनहेम ने दी थी। एक्सट्रेडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और ए कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट ऑन हूज टेरिटरी ही इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड और टू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम बाय ए स्टेट ऑन हूज टेरिटरी द अलेज्ड क्रिमिनल हैपन्स टू बी फॉर द टाइम बिंग। जनरल से डेफिनेशन दी है हमारे जूरिस्ट ने, उन्होंने सिंपली क्या बताया कि एक्सट्रेडिशन होता है क्या। एक्सट्रेडिशन एक ट्रीटी होती है जिसको हम बायलेटरल ट्रीटी भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑफेंडर को जो एक कंट्री में ऑफेंस करके दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है उसको हम वापस हमारी कंट्री में ला सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल। तो सपोज़ हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मानिए मैंने ही कोई क्राइम कमिट कर दिया इंडिया के अंदर और मैं क्राइम कमिट करने के बाद भाग गया इंग्लैंड। अब मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ बट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहती है बट वो कर नहीं पाएगी क्योंकि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, तो वो मुझे एक्सट्रेडिशन के तहत वापस इंडिया में लाएगी और फिर मेरे ऊपर ट्रायल किया जाएगा, मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब ये एक्सट्रेडिशन और बायलेटरल ट्रीटी क्या मतलब हर एक कंट्री के साथ कर सकते हैं, ये वही मतलब फिर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अगर हमने इंग्लैंड के साथ बायलेटरल ट्रीटी कर रखी है तो हम वहाँ से ईजिली उस ऑफेंडर को वापस ला सकते हैं और उसके ऊपर ट्रायल चला सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब एक्सट्रेडिशन का, कोई भी ऑफेंडर किसी ने भी क्राइम कर दिया एक देश के अंदर दूसरे देश में जाके रहने लग गया, अब उस बंदे को वापस लेके आना है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो अगर हमने उस कंट्री के साथ जिसमें वो रह रहा है उसके साथ हमने कोई बायलेटरल ट्रीटी कर रखी है या एक्सट्रेडिशन की हमारे कोई है उसके साथ संबंध, तो हम उसे वापस लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर ट्रायल चलवा सकते हैं। तो फिर आगे देखिए हमारे इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी हम एक्सट्रेडिशन नहीं करवा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉलिटिकल क्राइम्स की हम एक्सट्रेडिशन नहीं करा सकते, सेकंड हमारा मिलिट्री क्राइम्स, थर्ड हमारा रिलीजियस क्राइम। इन तीन क्राइम्स की हम एक्सट्रेडिशन नहीं करा सकते। अब जो ये पॉलिटिकल क्राइम है इसकी क्यों नहीं, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है या रूल है कि हम मतलब जो पॉलिटिकल क्राइम के अक्यूज हैं उनको हम एक्सट्रेडिट नहीं करवा सकते। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है पॉलिटिकल क्राइम होते ही हैं, तो पॉलिटिकल क्राइम क्या होता है, कोई भी एक क्राइम जो कि कमिट किया गया है टू अचीव करने के लिए, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कमिट किया गया उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बनता है, मतलब आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, री कैसिनियो केस किस चीज़ से डील करता है। तो हमें याद रखना है ये आपका लीडिंग केस है नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स के ऊपर। कौन सा केस आपका, री कैसिनियो लीडिंग केस है आपका नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स के ऊपर। नेक्स्ट हमने बात की जो पर्सन अक्यूज ऑफ मिलिट्री क्राइम्स होते हैं उनको भी एक्सट्रेडिट नहीं किया जा सकता। फिर हमारा पर्सन अक्यूज ऑफ रिलीजियस क्राइम्स आर नॉट एक्सट्रेडिक्टेड। ठीक है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी के अंदर भी वही सिंपल सी बात है, अगर हमने किसी भी कंट्री के साथ बायलेटरल ट्रीटी कर रखी है या एक्सट्रेडिशन कर रखा है, तो रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या कहता है बेसिकली, कोई बंदा सपोज मैं यहाँ कोई क्राइम कर गया, एक पर्टिकुलर क्राइम कोई भी क्राइम लगा लेते हैं हम, ठीक है मैंने किसी का मर्डर कर दिया या कोई भी एक पर्टिकुलर मर्डर ही लगा लेते हैं हमने, मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं यहाँ से चला गया इंग्लैंड में रह रहा हूँ, या मैंने यहाँ पे कोई भी स्कैम कमिट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, चीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, अब यहाँ से चला गया मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, बट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहती है, अब वो प्रोसिक्यूट तो कर नहीं पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो वो बायलेटरल ट्रीटी के तहत मुझे वापस लाएंगे। अगर उन्होंने इंग्लैंड के साथ ऐसी कोई बायलेटरल ट्रीटी कर रखी है इंडिया ने, तो वो मुझे वापस लेके आएंगे और मेरे ऊपर ट्रायल स्टार्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या कहता है कि मतलब हमने उस बंदे को जो बात कह के एक्सट्रेडिक्ट करवाया है, जो ऑफेंस बता के एक्सट्रेडिक्ट करवाया है, हम उसी ऑफेंस का ट्रायल उसके ऊपर चला सकते हैं। तो देखिए हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या कहता है ये।
Whenever a person is brought within the jurisdiction of the court under an extradition treaty, then he could be tried for the specific offense for which his extradition had been sought for. This is called the rule of speciality. ये वही बात कह रहे हैं, आपने जो बात बता के एक्सट्रेडिशन करवाया है आप उसी के रिगार्डिंग उसके ऊपर ट्रायल चला सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपने कह दिया मर्डर किया तो मर्डर की रिगार्डिंग चला सकते हो, अब यहाँ के और किसी के रिगार्डिंग आप उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सट्रेडिशन के ऊपर हमारे कुछ लीडिंग केसेज हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग के अंदर जो आते हैं, एक साइड में लीडिंग केसेज आ जाते हैं, एक साइड में टॉपिक का नाम आ जाता है। तो वैसे ही हमें याद रखने, सिर्फ हमारा फर्स्ट केस था तारासोव एक्सट्रेडिशन केस, सेकेंड सवारकर्स केस, थर्ड रेस वर्सेस गॉडफेरे, फोर्थ मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, फिफ्थ हमारा डॉक्टर राम बाबू सक्सेना वर्सेस स्टेट, सिक्स हमारा सुच्चा सिंह केस, सेवन्थ धर्म तेजस केस। ये कुछ केस लॉज हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा जो असाइलम के ऊपर हमें पढ़ना है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सटेंशन के अंदर। बस हमें याद रखना है कि एक्सटेंशन को हम बायलेटरल ट्रीटी कहते हैं। एक थोड़ी सी हमें जो डेफिनेशन दी थी जूरिस्ट ऑफन है, हमने वो याद रखनी है। हमें ये बात याद रखनी है कि मतलब पॉलिटिकल क्राइम होता क्या है, कौन कौन से क्राइम्स हैं जिनको हम एक्सट्रैडिक्ट नहीं करवा सकते। फिर रूल ऑफ स्पेशलिटी हमने पढ़ा था, रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या रखना, और लीडिंग केसेस जो आपके सामने हैं ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जितने भी 6-7 केस हैं ये सारे के सारे एक्सट्रैडिशन से हैं। और एक लीडिंग केस था हमारा नॉन एक्सट्रैडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम के ऊपर जो कि था रेस केस्टियोनी, वो भी हमें याद रखना है, वो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा असाइलम से डील करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली पढ़ते हैं असाइलम होता है क्या। असाइलम क्या होता है, असाइलम मतलब किसी को पनाह देना, किसी को रहने की जगह देना। ठीक है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ या एज पर जूरिस डेफिनेशन तो असाइलम क्या होता है, असाइलम मीन्स द शेल्टर एंड एक्टिव प्रोटेक्शन विच इज एक्सटेंडेड टू ए पोलिटिकल रिफ्यूजी, ओनली टू ए पोलिटिकल रिफ्यूजी। पोलिटिकल रिफ्यूजी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम अनदर स्टेट बाई स्टेट विच एडमिट्स हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट। तो जनरली क्या मील होता है, किसी को शेल्टर देना, किसी को पनाह देना, एक एक्टिव प्रोटेक्शन देना उन बंदों को जो कि पॉलिटिकल रिफ्यूजीज हैं एक दूसरे स्टेट के अंदर जो उनको दे रहे हैं। तो ये हमारा जो आर्टिकल 14 है ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके अंदर भी हमारा राइट ऑफ असाइलम प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या कहता है राइट ऑफ असाइलम के अंदर, जो आर्टिकल 14 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, वो क्या कहता है। Everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution. तो भैया दूसरी कंट्रीज के अंदर किसी हर एक बंदे का राइट बनता है कि वो असाइलम ले सके। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ असाइलम अंडर विच आर्टिकल इज प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। तो हमें याद रखना है आर्टिकल 14 के अंदर राइट ऑफ असाइलम प्रोवाइड किया गया है UDHR के अंदर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आता है हमारे टाइप्स ऑफ असाइलम, कितने प्रकार के असाइलम होते हैं। ठीक है, असाइलम तो हमने पढ़ लिया जनरली होता है कि अब क्या इसके टाइप्स भी होते हैं। हाँ, इसके टाइप्स भी होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस बताया गया था टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम के अंदर, वो हमारा लीडिंग केस था कोलंबिया वर्सेज पेरू। इसको भी याद रखना है, हमारे कोलंबिया वर्सेज पेरू के अंदर हमें डिफरेंस बताया गया था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम में क्या डिफरेंस होता है और टेरिटोरियल असाइनमेंट असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ असाइलम, डेट इज टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो स्टार्ट करते हैं टेरिटोरियल असाइलम से। टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, देखिए, इज ग्रांटेड बाई ए स्टेट इन इट्स ओन टेरिटरी एंड इज कंसीडर्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरनिटी ऑफ द स्टेट विच ग्रांट्स असाइलम। जो एक स्टेट अपने ही टेरिटरी के अंदर किसी और को असाइलम प्रोवाइड कर रहा है वो होता है हमारा टेरिटोरियल असाइलम। सेकंड, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम इस स्टेट में आल्सो ग्रांट असाइलम इन इट्स एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज और इन इट्स पब्लिक वेसल्स। इसको समझिए थोड़ा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है। सपोज कीजिए इंडिया की एम्बेसी है अमरीका में। ठीक है, हर कंट्री में एम्बेसीज होती है। ठीक है, अगर कोई मतलब पॉलिटिकल रिफ्यूजी है, इंडिया चाहे उसको असाइलम देना चाहती है तो वो अमेरिका के अंदर दे सकती है अपनी एम्बेसी के अंदर, क्योंकि एम्बेसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होगी। टेरिटोरियल अगर
होती तो वो इंडिया के अंदर ही होती है, एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो गया तो वो अमेरिका के अंदर, और वो अपनी खुद की एम्बेसी, एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब अमेरिका के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया उस एम्बेसी के अंदर किसी भी बंदे को असाइलम देना चाहती है तो वो होता है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ठीक है, अब आपका लीडिंग केसेस के ऊपर असाइलम इन फॉरेन लीगेशंस, दूसरी कंट्रीज के अंदर जो असाइलम होता है उसके ऊपर एक लीडिंग केस है आपका हाया डेला टोरा केस। ये इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, हाया डेला टोरा केस आपका लीडिंग केस है किसके ऊपर, असाइलम इन फॉरेन लीगेशन। तो ये था हमारा जो असाइलम के ऊपर था, हमें सिर्फ यही याद रखना है, इसके ऊपर से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप सिर्फ ये याद रखिएगा असाइलम होता है क्या, जनरली टाइप्स ऑफ असाइलम कितने होते हैं, दो होते हैं, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। लीडिंग केस जिसने डिफरेंस बताया था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और टेरिटोरियल असाइलम के अंदर, फिर लीडिंग केस था हमारा असाइलम इन फॉरेन लीगेशन जो कि हाया डेला टोरा केस था, ये आपको याद रखना है, और डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाला जो केस था कोलंबिया वर्सेज पेरू, वो आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा लेक्चर 4 था। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर भी देखने हैं तो हमारे ऊपर ही आपको दे रखा है लिंक, हमने जो लेक्चर था लेक्चर सेकंड और लेक्चर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ही कुछ टॉपिक आप कवर किए हैं, जो कि हमारा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ये सारे हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो थैंक यू अलॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।